गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी का सामान बनाने का काम किया करते थे, पर आजकल लकड़ी के सामानों की बिक्री बंद हो जाने के कारण सुमित एक मैकेनिक का काम करने लगा। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। आज विमला ने सोने के गहने खरीदे हैं और एक मेरी फूटी किस्मत। आपकी कमाई से तो हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए, वही बहुत है। ऐसी बातें क्यों करती हो? देखना, एक दिन मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी ना रहे, फिर तुम्हें कार में घुमाऊंगा। मेहनत से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया है भला? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है, मैंने तो सपने देखना ही छोड़ दिया। सुमित गैरेज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसके गैरेज का मालिक कहता है, क्या बात है सुमित, आजकल तुम गैरेज में दिन रात कड़ी मेहनत करते हो। रात हो गई है तुम्हें, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं मालिक, मैं ओवर टाइम करूंगा, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मैं एक कार बनाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है सुमित, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। सुमित ओवर टाइम से मिले पैसे को एक गुल्लक में जमा करता जाता है और कुछ दिन बाद जब गुल्लक भर जाता है तो वो उस गुल्लक को फोड़कर सारे पैसे बाहर निकालता है। आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर ही लिए, अब इन पैसों से मैं कार के पार्ट्स खरीदूंगा और फिर उससे एक कार बनाऊंगा। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप कार बनाएंगे? फिर तो बन गई कार। हाँ सुमन, आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, पर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हें कार में घुमाऊं, इसलिए कई दिनों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। आज गुल्लक में बहुत पैसे हो गए, इससे मेरे कार के लिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा। सुमित दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चलाकर देखता है और कार चल पड़ती है। सुमित की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार मैंने बना ही ली मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सुमन मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। पूरे इलाके में शायद ही किसी के पास ऐसी अनोखी कार होगी। शाबाश सुमित, शाबाश। ऐसी लाजवाब कार तो हमने आज तक नहीं देखी। मुझे तुम पर गर्व है। जाओ, जल्द से जल्द ही कार अपनी पत्नी को दिखाओ। हाँ मालिक, हाँ, मैं अभी जाता हूँ। सुमित गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो मस्ती से कार चलाता है और गाना गुनगुनाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। रास्ते में उसकी नज़र एक फूल की दुकान पर पड़ती है। वो फूल लेने फूल वाले की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकता है। वो मन ही मन सोचता है, सुमन के लिए कुछ फूल ले लेता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। गाड़ी से उतरकर वह फूल वाले से कहता है, अरे फूल वाले भैया, जरा अच्छे अच्छे लाल गुलाब दिखाना। देखिए भैया, कौन से गुलाब पैक कर दूं? हैं, सारे गुलाब ताजे हैं। ये लाल गुलाब लीजिए, भाभी खुश हो जाएंगी, बता रहा हूँ। सुमित दुकान से गुलाब लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, देखता है कि कार वहाँ है ही नहीं। हे भगवान, कहाँ गई मेरी कार? यही तो खड़ी की थी मैंने, मेरे सारे पैसे उसमें लगे हैं। अब मैं सुमन को क्या कहूँगा? अब भैया देरी मत करिए, तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाइए। हाँ, सुमित भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है। पसीने से लथपथ सुमित पुलिस स्टेशन पहुँचता है। हवलदार साहब, मेरी कार चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तो जैसे फटीचर के पास कार कहाँ से आएगी? जाओ जाओ, टाइम खराब मत करो। मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने बनाई है कार, आप मुझे बड़े साहब से मिलवा दीजिए। मेरी सारी मेहनत की कमाई उस कार को बनाने में लगी हुई है। मेरी पत्नी को पता चला कि कार चोरी हो गई है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है रिपोर्ट दर्ज कराना। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहले तुम्हें टाइपराइटर से सारी बातें लिखवा कर लानी होंगी, उसके बाद कहीं रिपोर्ट दर्ज होगी। और जहां तक रही बड़े साहब से मिलने की बात, तो बड़े साहब तो अभी छुट्टी पर हैं, 4 दिन बाद ही आएंगे, तुम 4 दिन बाद आओ। सुमित बहुत दुखी हो जाता है और उदास चेहरे के साथ अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नज़र शहर से आए कुछ लोगों पर पड़ती है जो तरह तरह की कार लिए लाइन में खड़े थे। वहाँ जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी, कार रेस जीतिए और पाएं 10 लाख रुपए नकद इनाम। अगर मेरे पास मेरी कार होती तो आज मैं जीत जाता, पर शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा है। सुमित घर पहुंचता है और सारी बात सुमन को बताते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सुमन, शायद मेरी किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं और मैं तुम्हें भी खुशी नहीं दे पा रहा। इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके मैंने पाई पाई जोड़ी और कार बनाई और वो कार चोरी हो गई। तुम्हारी सहेलियों के पति तो उन्हें क्या क्या तोहफे देते हैं, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्यों जी, मैं आप पर गुस्सा करती हूँ तो आपने तो मुझे बिल्कुल बेगैरत ही समझ लिया। आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए कार बनाई, इतनी किस्मत वाली मेरी कोई सहेली हो सकती है भला? माना अब आपके पास पैसे नहीं बचे, पर कला तो आपके हाथों में है। इस कला का मैं क्या करूंगा? अगर आज मेरी कार रहती तो मैं कार रेस में हिस्सा लेकर 10 लाख रुपए जीत जाता। मेरे पास एक आइडिया है, आपको तो लकड़ी का काम पहले से ही आता है, क्यों ना आप एक लकड़ी की कार बनाएं और उस कार से रेस में हिस्सा लें? उस रेस में तो लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर रेस करने आए हैं और मैं लकड़ी की कार से कैसे रेस जीतूंगा?
गाड़ी तो इंजन से चलती है ना, उसकी बॉडी अब लोहे की हो या लकड़ी की क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी बाबूजी का कमरा खोलती हूँ, उसमें बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है। सुमित अपने बाबूजी का कमरा खोलता है जिसमें लकड़ी की मोटी मोटी लट्ठे रखी होती है। सुमित आरी उठाता है और लकड़ियों को काटना शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करके हूबहू वैसी ही कार बना लेता है जैसी कार उसकी चोरी हुई थी। सुमित बड़ी चालाकी से इस कार के इंजन में एक सिलेंडर लगा देता है जिससे बटन दबाते ही कार हवा से भी तेज चल सकती थी। देखा जी, मैंने कहा था ना आप कार बना लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आएगा मजा, तुम देखना अब मेरी कार की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सुमन, ये सब तुम्हारे विश्वास के कारण ही हो पाया है। अब आप देर मत करिए, जल्द से जल्द कार रेस में जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ रेस शुरू हो जाए। सुमित अपनी लकड़ी की कार लिए रेस में जाता है। उसकी लकड़ी की कार को देखकर वहाँ बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं कैसा बेवकूफ आदमी है, लकड़ी की कार लेकर कार रेस में आया है छोड़िए जी, क्यों इनकी बातों पर ध्यान देते हैं, आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए, हम तो इसी कार से जीतेंगे। बड़ी हिम्मत कर सुमित खड़ा हो जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और उसका मनोबल टूटने लगता है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सारे लोग सुमित से आगे निकल जाते हैं। अरे ये क्या, सिलेंडर का बटन काम क्यों नहीं कर रहा। अरे चालू हो जा मेरी कार, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। लगभग रेस खत्म ही होने वाली होती है और सुमित सबसे पीछे छूट जाता है। आपको जीतना ही होगा सुमित जी, आपको आज सब लोगों को साबित करना है कि आप कितने काबिल हैं। किस्मत बार बार मौका नहीं देती। लेकिन तभी करिश्मा होता है, कार में लगा सिलेंडर अचानक ही चालू हो जाता है और सुमित की कार हवा से भी तेज भागने लगती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं और सब प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए सुमित वो रेस जीत जाता है। सुमित पहली पोजीशन पाकर रेस जीत जाता है। सारे लोग सुमित की तारीफ करते हैं। वाह वाह, लकड़ी की कार से ये लड़का रेस जीत गया है। हाँ भाई, ये तो बड़ा होनहार आदमी लगता है। हाँ देखो देखो। इस तरह सुमित को 10 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं और गांव में सुमित की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और वो लकड़ी के कार बनाकर उसे विदेशों में बेचने का बिजनेस शुरू कर देता है और खूब पैसे कमाता है।